आचार संहिता के चलते लंबे समय से लंबित पड़े अतिक्रमण हटाने के मामले का निगम ने शुक्रवार को मजिस्ट्रेट और पुलिस इमदाद के बीच निस्तारण कर दिया। शुक्रवार सुबह 9:30 बजे अजयनगर रोड पर लंबे समय से काबिज पार्षद शर्वर टॉनी के अतिक्रमण को भारी भरकम जेसीबी ने कुछ ही मिनटों में जमीन दिखा दी। इसी के साथ पास में हो रहे एक अन्य अस्थायी अतिक्रमण को भी जेसीबी ने तोड़ डाला। हालांकि निगम इस कार्रवाई करने के पक्ष में पिछले कई सालों से ढुलमुल रवैया अपना रहा था, लेकिन मामला लोकायुक्त के पास चले जाने से दुविधा में फंसे निगम को कार्रवाई करनी ही पड़ी। निगम आयुक्त नारायण लाल मीणा ने तो अपने वक्तव्य में पार्षद शर्वर टॉनी का नाम तक नहीं लिया, बस इतना कहा कि किसी जनप्रतिनिधि की दुकान है। कानून के मुताबिक पार्षद निगम का ट्रस्टी होता है, इसलिए निगम की संपत्ति की रक्षा करना उसी का दायित्व है, लेकिन शर्वर टॉनी द्वारा जनप्रतिनिधि होते हुए भी निगम की संपत्ति पर कब्जा उनकी सदस्यता रद्द करा सकता है। ये इस रोड के ऊपर एक कोई जो कमरा बना हुआ था और इसके एंक्रोचमेंट्स को लेकर काफी लंबे समय से हमारे पास शिकायत विचाराधीन थी। आचार संहिता के पहले भी इसको हटाने का हमारे निर्णय लिया गया था, लेकिन चूंकि आचार संहिता आ गई थी उस दौरान हम नहीं हटा पाए, और आचार संहिता के हटने के बाद में और आज हमके जाब्ते के साथ में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इसको हटवा दिया गया। बस आज सुबह का ही आज की तिथि निर्धारित थी और आज की तिथि को निर्धारित तिथि को हटा दिया गया। नहीं, टाइम तो हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है जाता है वगैरह आने का है, वो हमारी जो प्रशासनिक अधिकारी का आने का है, मजिस्ट्रेट आने का है, उस व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए जो तारीख होती है उसमें समय कोई व्यवस्था की पाबंदी नहीं होती है। पार्षद का तो वो जनप्रतिनिधि था, स्थानीय प्रतिनिधि। अब नाम का तो पूछ के मालूम करके बता देंगे आपको कौन था। नगर निगम वालों ने हमें सूचना दी कि भाई आज अतिक्रमण हटाया जाएगा, इस पर मैं पुलिस जाब्ते के साथ आया और उन्होंने जो आदेश दिया उनकी कंप्लेंस की और उसको जो अवैध निर्माण था उसको हटाया, सहयोग दिया। टाइम उन्होंने हमें जब अभी फोन किया कि आप आ जाइए, तो हम उन्होंने जो टाइम बताया उस टाइम पे हम आ गए सडनली, ताकि लोग बाग यहाँ इकट्ठे नहीं हो, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं हो। तत्काल आए और 10 मिनट बाद में हटा के और नकी किया।